बंद कर दे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मेडिकल टीम की तरफ से छापा मारा जा रहा है। गुड होप्स ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर है और आप देख सकते हैं मेडिकल टीम यहां पर पहुंची है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरा मामला क्या कुछ है वो पता लगाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है वो डायग्नोस्टिक सेंटर पर की जा रही है। मेडिकल जो टीम है वो यहां पर पहुंची है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देख सकते हैं कि मेडिकल टीम यहां पर पहुंची है, कुछ आरोप लगे हैं और वो आरोप क्या हैं ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। डायग्नोस्टिक सेंटर पर मेडिकल टीम पहुंची है और मेडिकल टीम पूरी कार्रवाई करेगी। क्या कुछ पूरा मामला है ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। डायग्नोस्टिक सेंटर है गुड होप्स के नाम से करनाल में, और जो क्लब मार्केट है उसके पास ये डायग्नोस्टिक सेंटर पड़ता है। वहाँ पर जो करनाल के डिप्टी सिविल सर्जन हैं वो मौके पर पहुंची हैं, साथ ही साथ पुलिस मौके पर है। क्या आरोप है, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद यहां पर तमाम जो चीज़ें हैं वो पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये नोट मिलाए जा रहे हैं, ये वो नोट हैं जो यहाँ पर दिए गए थे और फिलहाल वो नोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आरोप है वो भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस चीज के लिए नोट दिए गए थे उसको लेकर फिलहाल पूरी कार्रवाई मेडिकल टीम करती हुई नजर आ रही है। कुछ आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, और उसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है। और अब फिलहाल जो टीम है वो नोट मिलाती हुई नजर आ रही है और वो नोट एक के बाद एक मिलते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो मेडिकल टीम है पुलिस के साथ यहाँ पर पहुंची है, कई गंभीर आरोप लगे हैं और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। जीरो देख सकते हैं कि एक बार दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो दो लोग हैं जो लिंग जांच करवाने के लिए यहाँ पर इस डायग्नोस्टिक सेंटर में आते हैं। गुड होप्स नाम से ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, लिंग जांच यहाँ पर होता है ऐसा आरोप है, और इसी के चलते जो नोट हैं वो भी गिने गए, वो नोट भी मिलाए गए और वो नोट भी मिल जाते हैं। यहाँ के स्टाफ में हड़कंप मच जाता है और फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार उन नोट की जांच की जा रही है। ये दो आरोपी हैं जिन्हें फिलहाल अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है। यहाँ के स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लिंग जांच का एक बड़ा मामला सामने आता है करनाल में। ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर लिंग जांच होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, और जो गैर कानूनी होता है ये पता लगाना कि जो गर्भवती महिला है उसके पेट में लड़का है या लड़की है, ये एक गैर कानूनी बात है, एक अपराध है, गंभीर अपराध है। और ये दो व्यक्ति जिन्हें हिरासत में लिया जाता है लिंग जांच करवाने के आरोप में, इन्हें हिरासत में लिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरा नाम शिव सिंह है। कहाँ से हो आप? कैथल से। क्या कर रहे थे यहाँ पर, क्या काम चल रहा था? नहीं जी, कोई लिंग जांच आपकी तरफ से दिए गए नोट भी मिल गए हैं।
नहीं जी हमें नहीं पता जी कहाँ से क्यों हिरासत में लिया कुछ तो होगा कोई कारण पता नहीं जी हमें तो मैं तो बस में बैठा था जी बस में से उतार लिया तो यहाँ कैसे पहुँचे पता नहीं जी किसका लिंग जांच करवाया आपने किसी का नहीं जी हमारे पैसों का लेन देन हुआ किसी के साथ आपका क्या नाम है राजेश जी कहाँ से हो कहाँ से कैथल से दोनों कैथल किसका लिंग जांच करवाया है सर किसी का नहीं करवाया तो बस में कोई हिरासत तो बस में बैठे थे हम तो बस में बैठे थे जी हमने क्या पता यहाँ कैसे पहुँच गए बस से बस से ये पुलिस वाले थे जी उठा ले हमने बस हमने पता आए किस लिए थे कैथल से करनाल क्यों आए थे मैं तो जी वैसे ही आया था जी अपने काम से कोई मित्र से मिलने आया था जी मैं तो किस मित्र से मिलने एक मित्र था जी मेरा कोई कोई आया नहीं मैं चला गया किसका लिंग जांच करवाया किसी का नहीं करवाया कोई रिश्तेदार में नहीं जी हम सुजान से पता नहीं सर हमने जो आपने नोट यहाँ पर दिए हैं आपके द्वारा नोट दिए गए हैं मेरे पास नोट नहीं बरामद हुई जी मेरे पास से तो पहली बार ये काम किया पहले भी करते हो नहीं जी हमने तो कभी करया नहीं आज की है तो जानते ही नहीं सर हम तो किसके कहने पर किए कोई नहीं हमने जानते ही नहीं जी कुछ नहीं पता आपको नहीं जी हम तो आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बैग इनके पास से मिला है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये गोलियां हैं साथ ही साथ ऐसी गोलियां हैं जो भारी मात्रा में दवाइयां इनके पास से बरामद हुई है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ये बैग आपके पास से मिला है मेरा नहीं है जी हमारे पास बैग था मैं तो जी कुछ नहीं कहता आपके साथ ही आया बैग तो आपके साथ ही लेके आया मेरा नहीं है जी मेरा देखो कहीं भी आपने तो यही उठा के लाए हैं जी वहाँ से बस से हमने दवाइयां कौन सी हैं ये पता नहीं जी हमने आप तो काम करते हो दिहाड़ी मजदूरी करा दी अपना दिहाड़ी मजदूरी वाले तो नहीं लग रही जी आप दिहाड़ी मजदूरी वाले ऐसे घड़ियां पहनते हैं क्या नहीं घड़ी नहीं आपके जी नहीं 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 घड़ी है कोई और बात है क्या बात है बता दो ना हम तो जानते ही नहीं जी बात पूरी तो रख दो आप क्या रखूं सर बताओ जो सच है वो बता दो सर हमको तो पता ही नहीं हम तो बस में बैठे थे अपना इन्होंने सर ने उतार लिया हमको हम इनके साथ आ गए वहां जी बात तो बताओ इनका बैठ तो वहां बताएंगे पता नहीं कहां सच तो सामने आना ही है चाहे आप आज बता दीजिए चाहे कल बता दीजिए नहीं नहीं सर वो तो आपकी बात ठीक है लेकिन हम तो जानते नहीं थी बात में ये बैग आपका नहीं है नहीं सर हमारा बैग नहीं तो बैग आपसे कैसे बरामद हो गया पता नहीं जी हमने तो बैग किसका है कहां रखा था इन्होंने आपके पास था ये बैग नहीं जी हमारे पास साथ रखा हुआ था बैग नहीं आप पहले आए थे इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे आए थे इस अस्पताल में कब आए थे इस अस्पताल में आए थे या नहीं आए थे नहीं आए पक्का कभी नहीं आए अगर सीसीटीवी में पता चल गया तो फिर और ज्यादा कड़ी सजा देंगे ये बिल्कुल सर नो प्रॉब्लम अभी आए नहीं सर मोबाइल की लोकेशंस निकलेंगी आप कह रहे हैं बिना किसी काम से आए थे कोई काम तो होगा करनाल आने का नहीं सर मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था जी वो फ्रेंड मिला ही नहीं वो भी आपके साथ ही है मित्र भी आपके नहीं सर मैं तो यहाँ किसी से मिली भगत है आपकी नहीं सर वो सर, किसी के साथ मिली भगत नहीं हम तो जानते हैं सेंटर में किससे मिली भगत है आपकी किसी को नहीं जानते थे हम तो यहीं कितने पैसे दिए थे डायग्नोस्टिक सेंटर पे आपने पता नहीं थी मन तो पैसे भी नहीं दिए मैंने तो नोट कैसे मिले पैसे हमने तो कुछ नोट कैसे बरामद हुए बैग मेरे से तो बरामद ही नहीं हुए इस बैग आप इनको जानते हैं इनको जानते हैं किनको सर इनको जो साथ बैठे हैं नहीं जी मैं इसको भी नहीं जानता जी मैं इसको नहीं जानता जी बिल्कुल नहीं जानता साथ साथ बैठे थे बस में नहीं जी साथ साथ तो नहीं बस में तो जी क्या पता कौन कहाँ बैठ जाए जी बस का क्या पता है नहीं बस में साथ हाँ बस में साथ बैठे थे जी हमने क्या उतरवाया है आपसे भी बात हुई होगी पुलिस ने क्या कहा आपसे कुछ नहीं कहा जी हमारे को जी पुलिस वालों ने जी ने बोले जी आप नीचे आओ हम नीचे आ गए हमने सोचा कोई बुलाएगा टिकट टाकट दे देते होंगे जी आपको भी पकड़ा गया ना हॉस्पिटल में गार्ड 10 दिनों लगे हुए हैं आप 10 दिनों लगे हुए भैया मेरा नाम दीप था पहले मेरे को ये बताओ मेरे को किस वजह से सर को नहीं पता कैमरे चेक करो सर मेरा फोन चेक कर लो कैमरे चेक करो फिर मेरे को पकड़ना पहले मेरे को ये बताओ किस वजह से पकड़ा इनको किस वजह से पकड़ा मेरे को क्या पता मैम मेरे को 10 दिन हुए यहाँ पर गार्ड की जॉब है मैम मेरी बार था मैं इनको देख के अंदर आया हूँ अच्छा मेरे को ये नहीं पता आपके आपके सेंटर में मैं खुद आया हूँ इनके पीछे ये आपके सेंटर और मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ बैठा दिया ये आपके सेंटर में आए थे सर मैं गार्ड का काम करता हूँ यहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो उसको अंदर कराता हूँ ये आपके सेंटर पे आए थे आपने इनको देखा था पहले मैंने नहीं देखा सर इनको नहीं देखा नहीं जी मैं नहीं जानता जी मैं आपको खुद बोल रहा हूँ मेरे को इनके पीछे आया हूँ दवाइयों वाला बैग मिला है कौन सी दवाई मेरे को क्या पता वो आप चेक करो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कर लो चेक मैम मेरे को क्या पता
यहाँ लिंग जांच होता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। आप चेक कर लो ना सर, मेरे को क्या पूछ रहे हो? नहीं पूछ रहे हैं सर, मेरे को तो खुद भी नहीं पता। सर मेरे को 10 दिन हुए लग रहे हैं, मेरे को पूरा हिसाब भी नहीं है। सब कुछ पता होता है कौन अंदर आ रहा है। ज्ञान में आया था उसके बाद आपकी टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची? एक सोशल वर्कर के माध्यम से हमें पता चला था कि कहीं पे हो रहा है ये लिंग जांच, तो हमने एक डिकॉय तैयार किया। और जो टाउट था, हमें ये नहीं पता था, टाउट ने हाँ कर दी 40,000 में कि वो कहीं पे भी करनाल में आपका अल्ट्रासाउंड करा देगा लिंग जाँच का, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कौन से सेंटर पर लेके जाएगा। आज सुबह तक भी नहीं पता था। तो वो टाउट कैथल से आया है, कैथल से दो लोग आए, दो लोग आने के बाद इन्होंने हमारे इन्फॉर्मर और डेकॉय को बुला लिया और उसके बाद इनको यहाँ पे लेके आए इस सेंटर में। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ है, अल्ट्रासाउंड होने के बाद इसको थोड़ी देर के बाद बताया है कि लिंग जांच का, और उसके बाद इसको ये चले गए। और उसके बाद हम इनको फॉलो करते करते ये बस पे चढ़ गए और हम इनको बस से पकड़ के लाए। इनके पास 25,000 रुपये इन्होंने परसों हमारे से अकाउंट में डलवा लिए थे और 15,000 आज हमने इनको कैश दिया है, जिसमें से 14,000 इसकी जेब में से मिल गया है। तो क्या कहते हैं, कोई बैग भी मिला है इनके? एक बैग मिला है, बस से ही निकाला है हमने, और जो इनके पास था उसमें से अभी खोल के देखा है तो उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जिसमें एल्प्रेक्स है। बाकी DCU आके देखेंगी, हमने और नहीं देखा कि क्या दवाइयाँ हैं। क्या लगता है और भी दवाई किस तरह से संपर्क होंगे इनके? कह नहीं सकते, हमें क्या पता है, हमें तो इसका भी नहीं पता था। मैम जो मेडिसिन मिली है वो किस चीज़ की है, किस उपयोग में वाली है? एक ही देखी है मैंने अभी, और नहीं देखी है। बाकी DCU आके देखेंगी, उसके बाद भी कार्रवाई होगी। अभी बस हम कर रहे हैं कार्रवाई। आपका शुभ नाम? डॉक्टर शीनू चौधरी। करनाल में एक रैकेट बड़ी तेजी से चल रहा है जिसके अंदर लिंग जांच होती है, और आज मेडिकल की टीम दो आरोपियों को हिरासत में लेती है। दरअसल होता क्या है, गुड होप्स करके एक डायग्नोस्टिक सेंटर है करनाल में क्लब मार्केट के पास, और यहां पर दो आरोपी जिन्हें फिलहाल अरेस्ट किया गया है, ये दोनों आरोपी कैथल के रहने वाले हैं। दरअसल ये एक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जो व्यक्ति एक इन्फॉर्मर है और साथ ही साथ एक डमी पेशेंट है, और उसका लिंग जांच करवाने की ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि करनाल में हम आपका किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पर लिंग जांच करवा देंगे, और उसके बाद उनसे 40,000 रुपये की मांग की जाती है, ऐसा मेडिकल टीम की तरफ से बताया गया है। 25,000 रुपये गूगल पे के जरिए यानी कि ऑनलाइन पेमेंट ले ली जाती है, और 15,000 रुपये कैश ले लिए जाते हैं, और बस से इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है जब ये कैथल जाने की तैयारी में थे। और इनके पास से एक ये बैग बरामद हुआ है जिसमें अल्प्रेक्स की गोलियां, इसके अलावा और भी गोलियां हैं। अल्प्रेक्स की जो गोलियां होती हैं वो नींद की गोलियां होती हैं, और फिलहाल इसे भी इनके पास से बरामद कर लिया गया है। जो कैश था उसके जब नोटों का जो नंबर मिलवाए गए, और नंबर मिलवाने के बाद वो यहाँ पर नंबर सेम मिलते हैं, यानी कि उससे जो एक पुख्ता जानकारी है वो भी मिल जाती है। ये दोनों आरोपी हैं, आप तो जानते नहीं, आप तो बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं हम जानते भी नहीं हैं। नहीं नुगा जी, कौन से गांव का था, महाबिंदु कैथल कौन भाई? आरोपी तो हैं, आपने कुछ तो नहीं, हमने तो कुछ कहे नहीं सर, मेरे पास तो पैसे नहीं बरामद हुए। पैसे इनके पास से बरामद हुए? मैंने कहा क्या पता सर इनसे क्या बरामद हुआ, मैं तो जानता ही नहीं। ये दवाइयाँ किससे बरामद हुई हैं? किसी से नहीं जी, मारे से तो। पहले और कौन कौन से अस्पताल में आपका संपर्क है सर? नहीं मैं तो जी अस्पताल कौन जानता जी। पैसे आपसे मिले हैं सर? नहीं जी हम नहीं। किससे मिले हैं पैसे? नहीं जी पता नहीं। किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे पैसे? जो गूगल पे से? गूगल पे पता नहीं। कैश मेरे तो कैश आपके पास गूगल पे नहीं है सर? कैश आपके पास? कैश मेरे पास मिला। नंबर सेम है आपको पता है ये बात? नहीं जी ये तो नंबर कैसे सेम हो जाएगा सर? मैंने देखा ही नहीं। एक करेंसी एक नोट एक ही नंबर की छपती है ना, तो आपके पास वो नंबर कैसे आ गए पता नहीं ये बता दीजिए। और कौन कौन से सेंटर में आपका संपर्क है? सिर्फ यहीं पे संपर्क था जी, कोई संपर्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये आरोपी हैं जिन्हें फिलहाल पुलिस की देखरेख में मेडिकल टीम ने इन्हें हिरासत में लिया है करनाल के नए बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड से। और ये डायग्नोस्टिक सेंटर है जहां पर अल्ट्रासाउंड होता था। अल्ट्रासाउंड की अगर कोई लिंग जांच करवाना चाहता है, कोई गर्भवती महिला है, उसके पेट में लड़का है या लड़की, आप भी देख सकते हैं आज के समय में भी ऐसी मानसिकता लोग रखते हैं। यहां पर तो एक जो है डमी पेशेंट रखा गया था ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो
दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, जो लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, जो लोगों से पैसे ले रहे हैं और उसके बाद ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर में आते हैं, ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर में आते हैं जहां पर लिंग जांच किया जाता है, और कार्रवाई जो है ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ भी बनती है, क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, मेडिकल टीम पूरे मामले की जांच करेगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने का जो फुटेज है वो प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो भी कार्रवाई बनती है, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई सुचारू रूप से की जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।